Hello students, in this video we are going to do a very important topic, total energy of an electron in any orbit. किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका. तो लेट्स सी, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि भाई किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताइए बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से आता है? सीधा डेरिवेशन आता है, बाय यूजिंग द बोर एटॉमिक थ्योरी डिराइव द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है देन हाउ यू विल आंसर, लेट्स सी. तो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को ऐड करते ही हमें उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा. तो ये है हमारे डेरिवेशन का प्रोसेस. तो लेट स्टार्ट. तो अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि बाय यूजिंग द बोर एटॉमिक थ्योरी find out the total energy of an electron in any orbit, then let's see how we will answer this question. तो सबसे पहले बच्चों, हम उसकी kinetic energy find out करेंगे. Kinetic energy of an electron. सबसे पहले electron का kinetic energy क्या होगा ये देख लीजिए. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स का जरूरत होता है, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको मिलता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. तो ये चीज हमें मालूम है, वी है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. This is the centripetal force required by the electron. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है r रेडियस से, v वेलोसिटी से. तो इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ घूमने के लिए एक centripetal force चाहिए, जहां m इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी और r रेडियस. तो वो कैसे मिलेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो यहां q1 का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ze, ये हम आपको बता चुके हैं. चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज r वो e होता है, और ये r स्क्वायर. क्लियर हो गया? एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आपका हो जाएगा ze स्क्वायर. क्लियर हो गया? ओके, दोनों तरफ हाफ से क्या कर देते हैं, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देते हैं. तो mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ze स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहां शायद एक r बच जाएगा. ठीक है, 1 अपॉन r, r से r कैंसिल आउट. तो mv स्क्वायर क्या आएगा, ze स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r. 2 से दोनों तरफ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. तो 2 ये 4 क्या बन जाएगा, 8. ओके, अब आपको मालूम है r की प्यारे बच्चे एक वैल्यू होती है. तो सिंस इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. तो सिंस r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ze स्क्वायर. जब हमने रेडियस का डेरिवेशन किया था तो r का एक्सप्रेशन ये आया था. तो इक्वेशन 1 बिकम, देख लीजिए,
जब हम इस आर की वैल्यू पुट करेंगे कहां, इधर आर की वैल्यू ये होती है, तो इस आर की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन नंबर वन है वो क्या बनेगी, देख लीजिए, एम वी स्क्वायर बाय टू सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखिए आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो वी विल गेट दिस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, तो देखिए प्यारे बच्चों नाउ सम टर्म्स आर कैंसिल आउट, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी तो खैर कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, जेड और जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई और ई ई की पावर 4 हो जाएगा और इसके बाद एम यहां पर बचेगा अपॉन 8 एज इट इज, पाई से पाई कैंसिल आउट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देख लीजिए ये टर्म हमारे पास आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू, तो यहां से वेरिएबल टर्म कौन है, जेड और एन, बाकी सब क्या है कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देख लीजिए जो वेरिएबल टर्म है उनको हमने अलग कर लिया है और बाकी जो टर्म है उनको हमने यहां ले लिया है, ठीक है। तो दिस इज द, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये हमारा आ चुका है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ई फॉर एम 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक। चलिए यहां तक कर लीजिए, आप चाहें तो इसको और ज्यादा शार्पली लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, सिंस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, देखिए इसमें सभी टर्म क्या है कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू होती है 6.6 10 टू द पावर -34, एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है, तो जब आप इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और डाटास को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों यू विल गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम किसी भी जेड यानी एटॉमिक नंबर यानी किसी भी एटम के लिए, एन यानी ऑर्बिट 1, 2, 3 किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एनी एटम इन एनी ऑर्बिट।
किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे लिथियम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो लिथियम यानी जेड कितना हो जाएगा, 3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी और दूसरे ऑर्बिट में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। बस जो भी आंसर है उसको 30.6 से मल्टीप्लाई करते ना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सीधी सी बात, ठीक, वेरी इजी, दो लाइन का क्वेश्चन। किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी आप विद इन 1 सेकंड निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों को ही याद रखेंगे, इसको भी याद रखें और उसको भी याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों के एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर टोटल एनर्जी। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किन्हीं भी दो चार्ज, इफ द टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 1/4πε0Q1Q2/r, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0Q1Q2/r, ठीक है। बस इसमें एक बात याद रखेंगे कि जो चार्ज है विद साइन लेने हैं, ये थोड़ा सा आप नोट करेंगे, चार्ज आर टेकन विद साइन, ओके। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से होप आपने नोट कर लिया होगा। नाउ लेट टू द टॉपिक। अब हम प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो हमने क्या बताया है, Zd, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो देखिए हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज क्या है न्यूक्लियस और एक चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r। देख लीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, इफ वी हैव द टू चार्ज एट अ डिस्टेंस r, देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इज 1/4πε Q1 Q2/r। यहां Q1 का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस, और Q2 का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, Ze, ओके, और वो भी कैसा, न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का ई। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो जो चार्ज की वैल्यू है विद साइन लेते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 1/4πε, ये माइनस यहां जाएगा, और जेड ई स्क्वायर ओवर आर। क्या बात समझ आ गई, ओके। तो इसमें हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा भी हमने पिछले उसमें किया था, पुट आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड स्क्वायर। बस मैं आपको थोड़ा सा यही कहूंगा कि एक बार आर की वैल्यू रट लीजिए, बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो V get, तो देख लीजिए क्या आंसर मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जेड स्क्वायर हम यहां ले लेते हैं, जेड स्क्वायर ठीक है, आर की वैल्यू रखेंगे तो वी गेट पाई एम जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसमें पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और एम, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन ये है हमारे पास, नीचे क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और 4, ये चीज हमारे पास बचेगी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर एम अपॉन 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। देखिए, जो वेरिएबल टर्म थे जेड और एन, वो हमने क्या ले लिए, अलग ले लिए हैं, जेड और एन, अभी जैसे काइनेटिक एनर्जी में किया था, तो जो वेरिएबल टर्म है एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर अलग ले लिए, बाकी टर्म हमने यही रख दिए। तो गौर कीजिए, अभी जब काइनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन किया था तो बस यहाँ पर 4 की जगह क्या था, 8 था, बाकी सब कुछ सही था, बस सेम टर्म थे, बस 4 की जगह क्या था, 8, तो 8 बना लेता हूं, ऊपर नीचे क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस का 2 ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा होने वाला है, बिल्कुल फायदा होने वाला है, जिनको अभी पिछला अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का, इस 2 को अगर आप छोड़ दें तो बचा हुआ टर्म आपको मालूम है कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, सिंस सिंस ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता सकते हैं ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE इज इक्वल टू माइनस का 2, बची हुई वैल्यू कितनी है, 13.6 माइनस 2 एज इट इज, बची हुई वैल्यू कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, माइनस का 27.2, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरह से लिख लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकल के आ चुका है। किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आप पता कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए जैसे सोडियम के सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो Z कितना हो जाएगा, 11, N कितना हो जाएगा, 2, बाकी आपको मालूम ही है। तो वेरी वंडरफुल फॉर्मूला, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी एटम इन एनी ऑर्बिट, दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
of electron in any atom in any orbit. देख लीजिए. और वैसे आपको मैं बता दूं क्या बच्चों, याद ये भी होना चाहिए, ठीक है? एक्सप्रेशन वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव किया और इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव किया. टोटल एनर्जी निकालना अब बहुत ही सिंपल है. टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. कर लीजिए इसको एक बार. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फाइनल स्टेप ऑफ द डेरिवेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है. अब अगर दोनों चीज हमारे पास है तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो देखिए, वी हैव टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला. तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था तो वो हमारा आया था माइनस का 27.2. एक ऐसा कर लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई थी. प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया था, z स्क्वायर n स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आया था. तो इसमें से अगर हम z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो व्हाट वी गेट, माइनस के 27.2 प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आफ्टर सॉल्विंग द डाटा डियर स्टूडेंट, वी गेट माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम इन एनी ऑर्बिट. किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है? दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम ऑफ एनी एटम इन एनी ऑर्बिट. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार हो चुका है जो आपके एग्जाम में आता है. एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर लिख लीजिए कि क्या ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है. तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है यूजिंग द बोर थ्योरी. यूजिंग द बोर थ्योरी फाइंड आउट या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेशन, डिराइव द डेरिवेशन फॉर द टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर द टोटल एनर्जी, ठीक है. टोटल यूजिंग द बोर थ्योरी, यूजिंग द बोर थ्योरी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये आपका,
तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करेंगे, और उसके बाद आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड यू विल गेट योर टोटल एनर्जी। वैसे बुक में ये जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्रेशन वाइज है, लेकिन बच्चों को वो एक चीज याद नहीं होती, तो मैंने कोशिश करी आपको बहुत ही इजी तरीके से डेरिवेशन कराने की, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ये इजिली याद हो जाए। बस मैं आपको इसमें यही कहूंगा कि केवल इसमें आपको एक ही दिक्कत आएगी, आर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी इसमें और कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर जब हम इस फॉर्मूले को हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल में वो ये भी बोल देता है कि यूजिंग द वो डेरिवेशन जो आपका एग्जाम में आता है, यूजिंग द बोर्स थ्योरी फाइंड आउट द टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया है। अब अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है, 1, Nb कितना होता है 1, तो कितनी आ जाएगी टोटल एनर्जी, तो वो आ जाएगी, देखिए टोटल एनर्जी को हम E से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टोटल एनर्जी को हम En से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, यह थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम बना है, इसको भी आप देख लीजिए। हमारे पास आई थिंक दैट यू हैव डन दिस, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको नहीं लिखा था, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिनको हम KLMN बोलते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, ये आपसे कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल कई बार आते हैं। तो हम अलग अलग एनर्जी लेवल में एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी n इज इक्वल टू 1, या जिसको हम क्या बोलते हैं, k भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या है, en इज इक्वल टू माइनस के 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कहेंगे सर z किधर गया, ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, जनरल हमने, वैसे अगर आपको बोल दे हीलियम, अगर बोल दे तो डेफिनेटली जेड की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन हम ये किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए जनरल। तो देख लीजिए, तो यहां पर एन कितना हो जाएगा, 1, एन की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस के 13.6 ओवर 1 का स्क्वायर यानी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, ऐसे ही फॉर सेकंड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2, तो E2 हो जाएगा माइनस के 13.6 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 ओवर n स्क्वायर, ये आप रट लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करने पर माइनस 13.6 ओवर 4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस के 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये आपको वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं अगर भूल जाएंगे तो 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त आपका टाइम कंज्यूम ना हो, तो इसलिए आपको डाटा क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और ये प्रैक्टिस से हो जाते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, जब आप 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3, तो यानी थर्ड एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी, माइनस के 13.6 ओवर 3 का स्क्वायर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
minus 13.6 over 9, so you will get minus के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको एक चार्ट बना के दिया है। n is equal to 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या होगी माइनस के 13.6। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में बोल दिया जाए व्हाट इज, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो n is equal to 1 को हम क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो n is equal to 1 की जो एनर्जी होगी प्यारे बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो E1 क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। n is equal to 2 यानी सेकंड एनर्जी लेवल, तो सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी आई है, ये आई है। अब सेकंड एनर्जी को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, याद रखेंगे। n is equal to 3 को क्या बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n is equal to 4 को क्या बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी जो भी एनर्जी लेवल का नंबर है उसमें से एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बोले फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तो यानी फिफ्थ एनर्जी लेवल, क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट में एक जोड़ दो यानी टू, दूसरा एनर्जी लेवल। सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो सेकंड है दो में एक जोड़ दो तीन, थर्ड एनर्जी लेवल, क्लियर हो गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन होता है n is equal to 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n is equal to 4, इस तरह से इनके नॉमिनक्लेचर है। तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, तो n is equal to 2 की एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। ऐसे ही n is equal to 3 की जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। तो प्यारे बच्चों आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 ये है इन सभी की क्या एनर्जी याद होनी चाहिए, क्लियर। तो ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या है अलग अलग एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं एक नंबर में एनर्जी क्वांटाइजेशन। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए तो इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल विच इज नोन एज एनर्जी क्वांटाइजेशन। 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है अलग अलग एनर्जी लेवल में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो प्यारे बच्चों मैं फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, और उसका सीधा सा फॉर्मूला है En is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n क्या रखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो n की वैल्यू रखते ही आपको किसी भी एनर्जी लेवल की क्या पता चल जाएगी एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरा इनके नॉमिनक्लेचर आपको पता होनी चाहिए, ओके।